सबको राम राम। जीवन की और उत्पत्ति की बहुत सारी गुत्थियां श्रीमद् भागवत से सुलझती जा रही हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति कितनी महान है। यद्यपि अगर अद्यतन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारी संस्कृति में बहुत विकृति आई है और उसका कारण ना मुगल है ना अंग्रेज है, ये तो हम जबरदस्ती कहते हैं, उसका कारण हम खुद हैं। मैं जितना भी अध्ययन मैंने किया मिडिवल पीरियड का, जितना भी अध्ययन मैंने किया मॉडर्न हिस्ट्री का, मुझे नहीं लगता कि हमारी संस्कृति डूबने की वजह कहीं भी मुगल या अंग्रेज थे। हम डूब रहे थे इसीलिए वो हम पर काबिज हो गए। कभी कभी ये बड़ा दुख भी होता है कि इतने लंबे स्ट्रगल के बाद भी दरअसल हम अपने समाज के लिए क्या कर पाते हैं या हमने अपने समाज को कैसे देखा। हमारे लिए अध्यात्म या धर्म का मतलब ज्ञान कभी रहा नहीं ज्यादातर लोगों में। करोड़ों में से एक आध कोई व्यक्ति आता है जो अध्यात्म का मतलब ज्ञान लेता है, बाकी ये प्रतिष्ठा, पाखंड, अंधविश्वास, भविष्य पूछना, ये मांगना, वो मांगना, यही सब में सिमट के हमारा धर्म रह गया। इसलिए हमारे धर्म ने जो हमने खराब किया, उस धर्म की बात कर रहा हूं, हमारे धर्म ने हमें वीरता नहीं सिखाई। जो जितनी जोर से धाड़ मार के रोएगा या रोने का नाटक करेगा वो उतना बड़ा धार्मिक समझा जाता है। जो संस्कृति की बात करते करते इधर उधर की कथा कहानियां सुनाएगा वो उतना बड़ा धार्मिक कहा जाता है। आप लोगों ने ये जाना कि तीर्थ का मतलब क्या होता था, आपको तो पता ही है। आज तीर्थ का भी मतलब बदल गया है और ये कहीं पर्यटन से जुड़कर रह गया है। तो जगह जगह तीर्थ में घूमते रहने मात्र को हम धार्मिक होने की संज्ञा देते हैं। अब जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं लगातार तो आप खुद देख रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत यदि पढ़ रहा हूं मैं तो मुझे श्री कृष्ण से मतलब है, या मैं सुना रहा हूं
तो आपको और मुझे श्री कृष्ण से मतलब है। श्री कृष्ण को हम पढ़ रहे हैं हम, और यदि हम श्री कृष्ण को ही नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब हम कितने मूर्ख हैं। हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिल्कुल शून्य जैसी है। श्री कृष्ण की बात है यदि, या मैत्रेय ऋषि की बात है, या मैं कुछ और बातें आज करूंगा, उनकी यदि कोई बात है तो जो उन्होंने कहा मुझे वही बताना चाहिए, जो उन्होंने कहा मुझे वही समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक व्यक्ति से मैं मिला, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, अब तो वह हैं भी नहीं, तो वो बड़े अच्छे गीतकार थे, पर धीरे 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 उम्र के साथ साथ वो आध्यात्मिक होने लगे, ऐसा वो कहते थे। एक तो ये समझ में नहीं आता कि उम्र बढ़ने पर ही हम आध्यात्मिक क्यों होते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अब दौड़ना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम दौड़ नहीं सकते, इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं अब बैठना चाहिए। ये बड़ी विचित्र सी बात है, अगर आप इसे सोच के देखें तो उम्र का अध्यात्म से क्या मतलब है। और पढ़ते किसे हैं? श्री कृष्ण को, जो 8 वर्ष में आध्यात्मिक थे। ध्रुव की बात करते हैं, मतलब हर जगह हम अपने ही विचार भेद में फंसे हुए हैं, क्योंकि उस पर हमारा चिंतन नहीं है। और ये मेरा अनुभव रहा है कि लोग या दुख से या बुढ़ापे से पीड़ित होकर, अगर बुढ़ापे में सुख है तो कोई आध्यात्मिक नहीं होगा, पीड़ित होकर, मैंने कहा बुढ़ापे से पीड़ित होकर, या अपने दुख से, वह धार्मिक बनता है, अन्यथा नहीं बनता। कबीर साहब भी यही कहते थे और मेरे अनुभव भी यही आया, स्वामी जी भी यही कहते थे। 100-150 सालों में एक आध कोई ऐसा पैदा होता है जो जन्मते ही अपने इष्ट के पांव पकड़ता है और उसको इष्ट से मतलब होता है और उसके लिए वह कुछ भी कर जाता है। बाकी लोग इष्ट के पांव इसलिए पकड़ते हैं कि उन्हें कुछ और करना होता है जो हो नहीं पा रहा है, इसलिए चलो भगवान के पांव पकड़ लो। और यहीं से पाखंड को स्थान मिलना शुरू होता है। और हम, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने, हम सब दोषी हैं इस बात के कि हमने पाखंड का बाकायदा सोच समझ कर विस्तार किया। श्री कृष्ण ने तो वो पूजा ही नहीं बताई, वो कहां से आ गई? और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें तो वो सारी बातें नहीं है, फिर कहां से आ गई? आपने पूर्व के अध्यायों में पढ़ा है कि किस तरीके से हम डार्विनिज्म से भी बेहतर सोच रहे हैं। आपने पूर्व के अध्यायों में पढ़ा है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है, प्रलय के बारे में आपने पढ़ा है, शेष के बारे में आपने पढ़ा है। तो वो गीत लिखते थे राधा कृष्ण के और कृष्ण की बाल लीलाओं के। एक जगह उन्होंने लिखा कि कृष्ण का रंग सांवला क्यों था। हम लोग काले रंग को लेके बड़े पोजेसिव हैं, काला रंग हमें अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे भक्त जन जो हैं वो अपने भगवान को भी काला नहीं रहने देते। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं सांवला हूं, हम कह रहे हैं ना तुम गोरे हो, तुम सांवले क्यों हो हम बताते हैं तुम्हें, उलूल जुलूल बातें। तो उन्होंने उस गीत में ये बताया, और ये थ्योरी उन्होंने हमें भी पढ़ाई है। मुझ जैसा व्यक्ति तो विद्रोही स्वभाव का होता है, तो आसानी से अब तो मैं चुपचाप देखता सुनता रहता हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं था। तो
कालिया नाग से जब वो लड़ रहे हैं तो कालिया नाग ने श्री कृष्ण को काटा होगा, काटने से जो विष गया श्री कृष्ण के अंदर उससे श्री कृष्ण काले हुए। ले ये नई थेरी आई, नीला तो होता है विष से, काला कैसे हो गया कोई? हमने पूछ दिया उनसे कि विष से तो नीला होता है, काला कैसे हो गया? तो बोले आपने कई मूर्तियों में देखा होगा श्री कृष्ण नीले हैं। अरे मूर्तियों की बात छोड़िए, आप जिन ग्रंथों का हवाला देकर हमें गीत सुना सुना के पकाते हैं, फिर तो मैं इस भाषा पे आ गया था, और हमसे पैसे भी बटोरते हैं, उसके अनुसार बताइए श्री कृष्ण नीले कैसे हो गए मूर्तियों में? क्या मैं जो इमेजिन करूं, मैंने रंग रंग दिया? हमारे यहां एक पेंटर काला रंग करने जा रहा था और वो उसमें ब्लू ज्यादा मिक्स हो गया तो नीला हो गया। अब मैं उसकी एक थ्योरी बना दूं? तो ये मूर्खों का जमावड़ा बन रहा है धर्म, आज से नहीं बन रहा, बहुत सालों से बन रहा है। आप लोग ऐसा नहीं करना। भावुक लोगों का जमावड़ा बन रहा है धर्म। मोस्ट प्रैक्टिकल, हिम्मती, वीर, चिंतन करने वाले लोगों के लिए है धर्म। मैं हमेशा से कहता हूं, आपको शायद ध्यान हो कि भारत के धर्म को समझना मूढ़ बुद्धि की बात नहीं है, बहुत कठिन है, बड़ी फिलॉसफी है। और भारत का धर्म जीवन को जीना सिखाता है, जीवन से हारना नहीं सिखाता। इसलिए हमारे यहां नृत्य भी है। आपने कभी देखा क्रिश्चियनिटी में नृत्य हो रहा हो? किस बात का नृत्य करेंगे, नृत्य करेंगे? ही नहीं कोई वहां कैसा ऐसा ओकेजन। आपने देखा कि इस्लाम में नृत्य हो रहा हो? किस बात का नृत्य करेंगे? ही नहीं कोई ऐसा ओकेजन। आपने देखा यजीदी कभी नाचते हुए? धर्म में, धर्म के गीतों पर। यह हमें ही सुविधा है, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे भगवान भी नृत्य करते हैं, और नृत्य बाकायदा एक कला के रूप में सामने आई है, गीत के रूप में सामने आया है, भगवान का एक स्वरूप। चिंतन करने में सामने आया है भगवान का एक स्वरूप। फिलोसोफर के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, कृषक के रूप में सामने है भगवान का स्वरूप। आज मैं इस बात का ही चिंतन कर रहा था, मुझे लगा कि आज विषय के साथ साथ कुछ और बातें भी मैं आपसे करूं। इसलिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं पूजा करता हूं, तो दिल को आराम पड़ता है, और अगर डरपोक पूजा करता है तो एक और, क्योंकि वो जिस दिन उसका उद्देश्य पूरा हो गया, पूजा को भी छोड़ देगा, गुरुजी को भी छोड़ देगा, मंदिर को भी छोड़ देगा, आश्रम को भी छोड़ देगा, संस्कृति को भी छोड़ देगा, और अगर पूजा से उसका भाग्य नहीं चमका तो दरगाह भी पहुंच जाएगा। जहां उसे बस कह दो, उससे आप कह दो कि वो 500 फीट का बुर्ज है और उसके ऊपर चढ़ जाओ और वहां जाके इस धर्म की आवाज लगा देना, और उससे तुम्हारे सारे काम होंगे। वो व्यक्ति जिससे चला नहीं जाता है वो उस पर चढ़ जाएगा। ये कमजोरी हमारी है, और इसीलिए बहुत सारे लोग हमें शास्त्र को पढ़ने भी नहीं देते। आज वाचन सत्र में आप लोग जो पढ़ते होंगे तो आप देख रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता है, कितनी गहराई है। वो प्रश्न, वो उत्तर, वो उनके लिखे गए पत्र जो आप लोग पढ़ते हैं, तो वो किन बिंदुओं को छूते हैं, सोच के देखिए। अगर यही धर्म हमने अपनाए रखा होता तो हमारे अंदर लंपटाई कभी नहीं आती, हमारे अंदर
धोखा देने की आदत कभी नहीं आती, हम कभी भी अवैज्ञानिक नहीं होते, क्योंकि धर्म पूरा विज्ञान वित्ता है, खोज करता है। वेद का विज्ञ धातु से ही निकला है, वेद का अर्थ ही यही, लगातार खोज रहे हैं। हमारे भगवान भी खोज रहे हैं उस चीज को, मुनि भी खोज रहे हैं, ऋषि भी खोज रहे हैं। जिन लोगों ने अपने धर्म को समझा या नहीं समझा, या उसे बिल्कुल नकार दिया, या धर्म को काम से बिल्कुल अलग रखा, वो लोग हमसे ज्यादा उन्नति कर गए। हम लोग जितने गहराई से मंदिर घूमते हैं, आश्रम घूमते हैं, वगैरह वगैरह, अमेरिका में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, ब्रिटेन में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, स्विट्जरलैंड में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वो लोग काम में हमसे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने धर्म के पाखंडवाद को नहीं अपनाया, धर्म के कर्मवाद को अपना लिया। इसलिए वो बेहद ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बहुत चिंतन के बाद स्वामी जी ने कर्मयोग पर एक भाषण दिया था, जो कर्मयोग करके उनकी पुस्तक भी है, पुस्तक में उसको ढाल दिया गया है। श्री कृष्ण कर्मयोग की बात कर रहे हैं, और श्री कृष्ण के मानने वाले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कर्मयोगी हैं। कर्मयोग का मतलब केवल काम करना नहीं है, कर्म कैसा कुशलतापूर्वक, और कैसा जिससे कि युग्म उत्पन्न हो हमारे और हमारे परमात्मा में, उस कर्म योग की बात श्री कृष्ण करते हैं। यानी उसमें अध्यात्म है, अध्यात्म है तो ईमानदारी है ही है। बेईमानी से ऐसा व्यक्ति, झूठ बोलने से ऐसा व्यक्ति, निंदा ईर्ष्या से ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। मैंने एक सूत्र अपने लिए छाटा, ऐसी सोचते सोचते, बहुत पुरानी बात है, सातवीं आठवीं क्लास में मैं रहा हूँगा, कि दो तरीके हैं प्रभु पथ पर जाने के या प्रभु को प्राप्त करने के। एक कि मैं कर्म शुद्ध करूं और प्रभु को प्राप्त करूं, और दूसरा है प्रभु से इतना प्रेम करूं कि कर्म मेरे शुद्ध हो जाए। अब कर्म शुद्ध करूं ये तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आपको समाज लगातार दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर मैं प्रभु से प्रेम कर लूंगा तो मैं दुष्कर्म करूंगा ही नहीं, झूठ बोलूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ जाए मैं सेक्रीफाइस करूंगा, कष्ट सहूंगा, त्याग करूंगा, जो भी कुछ करूंगा वो करने ही नहीं देगा। मैंने यही रास्ता अपनाया, या गुरु महाराज कृपा से ये रास्ते पे मैं चल पड़ा। मैंने क्या अपनाया, मैं तो उतना सब जानता नहीं था कुछ भी। वो प्रेम बढ़ता चला गया, मेरा प्रथम प्रेम मेरे गुरु महाराज के प्रति रहा, तो वो प्रेम बढ़ता चला गया और दुष्कर्म से स्वतः ही दूरी होती चली गई। यहाँ तक कि अगर जिन मुनि जी से मुझे आश्रय मिला, अगर उन्होंने पूछा, जैसे मेरी अक्सर आदत थी, मैं देर रात तक काम करता था, सुबह लेट हो जाता था उठने में, वहाँ तो सब 3 बजे उठ जाते थे, तो मैं लेट उठ के गया हूँ, तो वो अगर पूछ, और उन्होंने मुझे नहीं देखा, ये मुझे भी पता है, किसी को नहीं पता मैं लेट उठा हूँ, क्योंकि कुटिया से निकलना आवश्यक नहीं था। उसी कुटिया की बात कर रहा हूँ जो आज आए हुए थे, जब ऋषभ वहाँ थे, तो मैं उसके अंदर ही हूँ, किसी ने मुझे नहीं देखा। बावजूद उसके अगर वो पूछ बैठे कि आज कितने बजे उठे, तो मुझसे झूठ नहीं बोला गया, और डांट भी पड़ती थी, ऐसा नहीं कि डांट नहीं पड़ती थी, फिर भी नहीं बोला गया। उन्होंने कहा कि आप कोई ये सिद्धि है,
नहीं है, अब जब नहीं है तो नहीं है। अब उन्होंने सिर पीट लिया, बोले कह देते है, ये 10-20 लाला लोग पीछे हो जाते तुम्हारे, अब नहीं है तो नहीं है। तो प्रभु से जब इस वक्त प्रेम होगा, आप आपका जो बाह्य मन है, मैं आप जो व्यक्त मन है, आपको वो बार बार चीख चीख के कह रहा होगा, झूठ बोल बेईमानी कर, झूठ बोल बेईमानी कर, चोरी कर। लेकिन जो अव्यक्त मन है आपका, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसका ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जो अव्यक्त मन है आपका, वो करने नहीं देगा। आपका हाथ जाएगा यूं आ जाएगा, जाएगा यूं, कर ही नहीं सकते। और अगर कर रहे हैं तो आपको भगवान से कोई प्रेम व्रेम नहीं है, आप विशुद्ध पाखंडी हैं। चाहे कोई किसी पद पर बैठा हो, चाहे कोई अपने 10-20 मालाएं डाल ले या कुछ कर ले, या गृहस्थ हो, या कर ही नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति का अगर प्रेम होगा तो वो 100% होगा, और नहीं होगा तो 1% भी नहीं होगा, ये भी स्पष्ट है। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है, मतलब ये अदर वे राउंड बात कह रहा हूं मैं, कि वो लोग जो विशुद्ध नास्तिक दर्शन के रहे भारत में भी और विदेशों में भी, वो हमसे आगे निकल गए। क्योंकि राह तो एक है ना, झूठ नहीं बोल रहे वो, कह रहे मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता। हम कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, लेकिन मानते नहीं है। अगर मानते तो हमारे कर्म में जानबूझकर कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, अव्यक्त रूप से दोष उत्पन्न नहीं होता। और श्री कृष्ण मैत्रेय मुनि के माध्यम से लगातार मेहदादी तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, अध्याय 6 तक। कर ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता। और फिर जब बहुत परेशानी में वो डूबता है तो दोष किसको देता है? अपने झूठ को दोष नहीं देता, अपने क्रियामाण को दोष नहीं देता। आपको नहीं पता क्रियामाण कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, संचित से भी अधिक करता है, संचित से भी अधिक करता है क्रियामाण। और जब वह मुंह के बल गिरता है, जब बेरोजगार होता है, या जब वो गरीब होता है, या जब उसे रोग पकड़ते हैं आदि आदि आदि, तो उन सब का ठीकरा दूसरों पे फोड़ देता है। एक घटना का और उल्लेख करूंगा, बहुत पुरानी नहीं है, जैसे 10-12 साल के भीतर की बात है। मैंने किसी से कहा ध्यान रखना, अब वो बोलने में, क्योंकि भारतीय पटर पटर बोलता बहुत है, बिना मतलब में हर भारतीय, एक तो हर भारत का व्यक्ति महान डॉक्टर है, भारत का हर व्यक्ति जो है महान आध्यात्मिक है, कृष्ण से भी ज्यादा और राम जी से भी ज्यादा, बोलता बहुत है। उन्होंने सुनी नहीं, तो जो मैं कह रहा था, उनके छोटा सा बच्चा था 6-7 क्लास में, उसने सुनी। जब उनके साथ वह बीत गया तो उसने कहा, आपको तो गुरुजी ने कहा था। कहाँ कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे। और बच्चे की जैसी आदत होती है कि आप फेंक रहे थे, मैं लपेट रहा था, ऐसी बात कह देते ना, बच्चे तो बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा, रे सॉरी ये तो गड़बड़ हो। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने जोर से क्यों नहीं कहा मेरे से? अब लियो, उन्होंने मुझसे जब ये कहा तो मैं उनको, हम उस वक्त वसुंधरा सेक्टर 1 में थे, तो वसुंधरा सेक्टर 3 के चौराहे तक छोड़कर आया। हम हर चीज का ठीक रहे दूसरे, हम जिस वक्त चोरी करते हैं हम ये ध्यान नहीं देते कि हम चोरी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हम जिस वक्त ईर्ष्या करते हैं ये ध्यान नहीं देते, और हमारे तभी महतादी तत्व
हमारे खंडित हो जाते हैं, और उस आप कितनी बड़ी शक्ति परम शक्ति के सानिध्य में भी कुछ क्यों ना बैठे रहते हो, एक समय आएगा जब आप मोहताजी पे पहुंचोगे, क्योंकि हर शक्ति भी एक समय में आपका साथ छोड़ देगी। इस बात को मैं आपको सही बताऊं, मुसलमान समझता है। इस बात को कहीं कहीं क्रिश्चियंस भी समझते हैं, सब जगह तो नहीं। इस बात को गुरुद्वारों में समझाया जाता है, सिख समझता है, और वो उससे दूर रहने का प्रयत्न करते भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। मुझे कभी कभी एक लंबा व संघर्ष मेरा याद आता है, और कभी कभी मैं सोचता भी, कुछ लोगों से कहता भी हूं कि इतना लंबा समय मैंने लड़ने में लगाया किसके लिए, किस कम्युनिटी के लिए, जो अपने ही झूठ से कभी बाहर नहीं आई, जिसने अपने भगवान को कभी प्यार नहीं किया। और सच में उन लोगों की वजह से, उस प्रकार के संप्रदाय की वजह से बहुत सारे लोगों को प्राण त्यागने पड़ गए, बीमारियां उड़नी पड़ गई, सड़क पर आ गए वो लोग कि इसका कल्याण हो जाए, नहीं हुआ। और 2047 की लड़ाई है, पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं। हमारी बहुत सारी चीजें हमें क्यों नहीं पता, हमें ऋषि कड़ाद का क्यों नहीं पता, हमें भास्कर का क्यों नहीं पता, हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानते हैं, हमें ये क्यों नहीं पता कि भास्कर ने ये किया था, उससे पहले भास्कर उसके बारे में बता चुके हैं, ऋषि भास्कर। हमें अणु परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में विदेशों से बहुत सुनने को मिलता है, हम ऋषि कणाद के बारे में क्यों नहीं जानते कि ऋषि कणाद ने हमको न्यूट्रॉन प्रोटॉन अणु के बारे में इतनी गंभीरता और गहराई से समझाया था, और उस अणु का उपयोग आप अपने मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने पर कर सकते हैं, तन की शक्ति बढ़ाने पर कर सकते हैं, भाग्य को समझने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा चेंज इन कंटिन्यूटी के प्रोसेस में चलती है। आप हिम्मत करो, पूर्व जन्म देख लो, क्योंकि आत्मा वही थी आपकी, शरीर नया हो रहा है, ये चेंज का प्रोसेस है, लेकिन आत्मा की ये कंटिन्यूटी है। जिस दिन आपके मन में वह भाव उत्पन्न हो गया, जिस दिन आपके मन में वह न्यूनतम वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिस दिन आप पार्शियली डिटेच होना सीख गए और नियति को स्वीकार करना सीख गए, आप स्वतः ही उस रास्ते पर चले जाओगे, आपको अपने एक दो क्या अनेक जन्मों का पता चल जाएगा। ये क्यों नहीं करते हम? मैं आज एक बात में बात आई है तो कहूं, कुतुब नुमा होती ना कंपस, हम ये कहते हैं कि कुतुब नुमा जो है ये हिंग डायनेस्टी यानी चीन ने खोज कर बनाई है, नहीं, उससे कहीं पहले वो निडिल का प्रयोग हमारे यहां होता था, जो हमेशा वो सुई उत्तर की तरफ रहती थी, ये हमारे पास था ज्ञान, और हमारे जो लोग समुद्र में जाते थे वो उसका उपयोग करते थे। ये हमें क्यों नहीं पता? ये हमारे ऋषियों की बात है, क्योंकि हमें वो ऋषि चाहिए हैं जो केवल भजन गावे और जो इधर उधर करके कथा सुना के हमें भाव विभोर कर दें, ज्ञानी बनावे या ना बनावे। लेकिन आप श्रीमद् भागवत लगातार पढ़ रहे हैं, इसमें कहां वह वर्णन अभी तक आया है? हर जगह ज्ञान की बात की गई है, कहीं भी कोई मिथ्या बात या मिथ्या वर्णन नहीं है। अध्यात्म इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि द रूट सेंटेंस ऑफ बींग स्पिरिचुअल मीन्स ट्राई टू बी करेक्ट, बेहतर सही होने की कोशिश अध्यात्म का मूल वाक्य है।
उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन मूल वाक्य यही है। तो हमें इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, ये भी ऋषि है। हमने सांख्य दर्शन पढ़ा, श्री कृष्ण सांख्य दर्शन से कितने प्रभावित हैं, लेकिन सांख्य दर्शन में आपने क्या पढ़ा? भजन नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति का सूत्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सूत्र, ये आप सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं। सोचिए श्री कृष्ण कहां सोच रहे हैं। और ऐसी एक विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, संवाद चल रहा है। मैत्रेय ऋषि से, मैत्रेय मुनि से विदुर जी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मैत्रेय मुनि को वो निष्पाप मुनि कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, बहुत ज्ञानी है वो। ज्ञान का अंत कहां होता है ये पता नहीं, लेकिन ज्ञान का एक महत्वपूर्ण चरण वो अवश्य होता है जब हम अपने होने को जान जाते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ आ जाती है। मैं कौन, जिस वक्त हम ये जानना शुरू करते हैं उस वक्त हम ज्ञान के चरम पर पहुंचने लगते हैं, और जब जान जाते हैं तो ज्ञान के चरम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके आगे भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ज्ञान रुक गया, क्योंकि ज्ञान की जो अंतिम सीमा है किसी को नहीं पता भी वो कौन सी है, लगातार खोज चलती रहती है। इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति यदि है तो वह कभी नहीं कहेगा दिस इज फाइनलिटी, जैसे प्रभु ने भी नहीं कहा दिस इज फाइनल। किस प्रभु ने कहा? कभी भी नहीं कहेगा दिस इज फाइनलिटी, क्योंकि ज्ञान इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं। आगम और निगम के जो सूत्र है, आगम निगम शास्त्र के बारे में आपको पता है? किसे कहते हैं आगम? ये उसका शाब्दिक अर्थ है। जो तंत्र से संबंधित सूत्र है ये आगम है, जो वेद से संबंधित सूत्र है वह निगम है। तो वेद आदि ये निगम शास्त्र है, तंत्र आदि आगम शास्त्र है, और ये भी साथ चलते हैं, मिलकर चलते हैं कहीं ना कहीं, आगम निगम। और ये शब्द कहां आया है? बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। आरतियों को भी ध्यान से सुनिए, अलर्ट रहिए हर वक्त, क्योंकि शिव और पार्वती आगम निगम सूत्र की बात करते हैं। तो केवल आने को ही आगम नहीं कहते, ये सूत्र है तंत्र के, आगम और निगम है वेद के। बखानी मतलब उसका बखान, व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एक लाइन में कितनी गहरी बात लिखते हैं, ये विद्वता है। और कभी कभी वर्षों लग जाते हैं, आप लोगों को भी आगम निगम बखानी ये समझने में कितने वर्ष लग गए होंगे आज, कोई किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30। और जिस दिन हम आगम और निगम सूत्रों को अच्छे से समझ लेंगे, हमें बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि वह भी इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। विदुर जी कहते हैं
तत्व की जिज्ञासा है, हे मुनि इस तत्व को समझाइए। आपके युक्त युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। कहीं भी भाव प्रदर्शन नहीं है कोरा, युक्ति युक्त यानी फोर्टिफाइड विद आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर आर्ग्यूमेंटेशन इज देयर, प्रॉपर रीजनिंग इज देयर। इसलिए मेरी ये बड़ी कोशिश रही, यद्यपि मैं उसमें फेल हो गया, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि आश्रम के लोग युक्ति परक बात करा करें, ढीली ढाली ऐसी बातें नहीं, युक्ति परक बात। हमें पता होना चाहिए करना क्या है और कैसे करना है, चरित्र का निर्माण कैसे होगा। विशद व्याख्या है चरित्र की, मुझे ध्यान नहीं अभी इस बार कर्नल टीपी त्यागी जी मंच से बोले तो मुझे याद आया, चरित्र में मेरा एक पूरा भाषण है करीब एक सवा घंटे का, कर्नल त्यागी जी की एक सभा में मैंने दिया था, जिसमें मैंने व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र का भेद किया था, जो कर्नल त्यागी जी मंच से इस बार बोल रहे थे 3 दिसंबर को हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह में। वो वही बात कह रहे थे, उन्होंने पूरे नोट्स बनाए हैं उसके, अब वीडियो है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का है। इसीलिए एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो नहीं होता है, एक साइंटिफिक सोच का व्यक्ति ही जितना ईश्वर से प्रेम कर सकता है उतना अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर के स्वरूप को जानने समझने लगता है, वह मिथ्या स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, वह सत्य स्वरूप को स्वीकार करता है, क्योंकि ईश्वर है ही सदचित आनंद। ईश्वर का नाम सदचित आनंद है, और इसीलिए यदि आप शब्दों की व्याख्या जानते हैं लेकिन कर्म को शब्दों के अनुसार प्रवणित नहीं कर सकते, तो एक दिन आएगा भगवान भी साथ छोड़ देगा। तो आप ये कभी मत सोच के चलिएगा भगवान हमेशा पकड़े रहता, भगवान उपयुक्त व्यक्ति को ही पकड़े रहते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए भगवान को कभी, आप गलत राह जाएंगे परेशानियां उठाएंगे, सून और लेटर यह होगा। समस्या वहां आती है जहां आपके कर्म अन्य लोगों के कर्मों के साथ जुड़कर चलते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम हो गया, जैसे सांसारिकता हो गई, जैसे आश्रम हो गया, जब मेरे कर्म सिर्फ मेरे कर्म हुआ करते थे तो मैं अपने कर्म बहुत अच्छे से निभा पाता था, मुझे किसी की चिंता नहीं थी, किसी का दायित्व नहीं था, और मैं सच में कई बार कुछ लोगों से कहता हूं कि आश्रम शुरू करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, शायद स्वामी जी भी यही कहते थे, लेकिन वो सीखा नहीं, क्योंकि आपके कर्म औरों के कर्म के साथ जुड़ गए। अब यदि वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं तो आपकी स्पीड कम तो कर देंगे, अगर रोग नहीं भी पाए तो स्पीड कम कर देंगे, क्योंकि आप हजार लोगों के झूठ को झेलते झेलते अपने सत्य को ढका पाते हैं एक दिन। बड़ा कठिन होता है चीजों को मैनेज करना, लेकिन शायद यही वो चैलेंज भी है, शायद यही दायित्व तो ईश्वर ने सौंपा है कुछ सोचकर, जो मेरा हो भाग्य है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए उपयुक्त रूप से सोचा, कि मैं उपयुक्त हूं मतलब ये सोचा, अब हूं नहीं हूं ये वो जाने। तो यहां पर जो विदुर जी कहते हैं युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह
छिन्न भिन्न हो गए। एक बार मुझे इसी अचानक मुझे याद आया तो मैं वह उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी ने पूछा साइंस का स्पिरिचुअलिटी का क्या एमलगमेशन, क्या रोल है। मैं ऋषिकेश में खड़ा हुआ था, वहां शिवजी की प्रतिमा थी और वहां जैसे होता है त्रिशूल पर डमरू टंगा हुआ था। मैंने कहा ठीक उसी तरीके से जैसे डमरू का खोल और खाल, अगर डमरू का खोल नहीं है तो खाल नहीं टिक सकती, यानी ये बजेगा नहीं, और डमरू का खोल है और खाल नहीं है तो भी डमरू बजेगा नहीं। तो डमरू अगर बजाना है तो आपको खोल और खाल दोनों चाहिए, और वो जो दो गुल्लियां इधर उधर टुकड़ 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 करती है ना, दरअसल ये संसार की क्रियाएं हैं। वो टुंग डुंग जिधर को आप धकेलोगे, या आप हमारी शक्ति के ऊपर है, जिधर को हम धकेलेंगे वो उधर ही को जाके टक बोलेंगे, और उसके लिए जो शक्ति है ये कौन सी है, ये प्रभु की है, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं, किसी के पास वो शक्ति नहीं होती, तो प्रभु की वो शक्ति है। और वो डमरू खोल है, उसके साथ खाल है, और संसार की दो गिट्टियां उसके साथ हैं, और उस शक्ति से अगर मैं बजाता हूं तो डुम डुम की आवाज निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसका उन पर क्या प्रभाव हुआ है तो मुझे नहीं पता, मुझ पर इसका बड़ा प्रभाव हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते दरअसल अपने आप को सिखा देते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक प्रभु में आस है तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं किसी दिन क्वांटम फिजिक्स से आपको समझाऊंगा मस्तिष्क के बारे में, और हम किस तरीके से वो मस्तिष्क में जो अदृश्य शक्तियां हैं वो कहाँ से आती हैं, सिखाऊंगा, समय लूंगा थोड़ा। अभी वो सबको बताने से तो कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन जो रेगुलर है बीच बीच में मैं बात करता भी जाता हूँ, अब कौन पकड़े ये वो जाने, लेकिन कर्म शुद्धि की तरफ जरूर जाना। आप एक बार को दंडवत मत करना, सुबह का दीपक भले ही ना जले किसी दिन, लेकिन कर्म अशुद्ध एक क्षण के लिए भी ना हो, नहीं तो जिस वक्त लात पड़ती है ना समय की, प्रभु की कहूँ तो ज़्यादा ठीक है, तो फिर आदमी सिर्फ टटोलता रहता है और कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए अस्ते का जो नियम है उसका पालन जरूर, चोरी नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी, ये जो विकार है इनसे दूर रहना होगा, किसी भी रूप में रहना होगा, और कभी भी किसी अन्य के मार्ग की बाधा मत बनिएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब फटकार पड़ती है ना प्रभु की भयंकर होती है। और बहुत सारी चीजें प्रभु जानबूझ कर नहीं देते, समझिए उनके, इसको लीला कहें तो समझ में आता है, वो बहुत सारी चीजें आपको नहीं देंगे, बहुत सारी चीजें आपको देर से देंगे। अभी से आप भाग्य दुर्भाग्य कह लीजिए, लेकिन मेरे विचार से यह प्रभु की लीला है, बहुत सारी चीज नहीं मिलेगी, और बहुत सारी चीज यदि होगी भी तो छिनेगी। हम नहीं जानते कि छोटी छोटी चीजें, एक मुनि जी ने मुझे एक बात बताई कि उनका एक शिष्य था, वो थोड़ा पेटू किस्म का था, तो जैसे ही कोई प्रसाद चढ़ा के जाता था तो उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता था और उसे वो खा लेता था और चरणामृत देता था। उसका उसका शाम की ड्यूटी ये लगती होगी, ड्यूटीज लगती हैं सबकी, हम भी करते थे,
अलग अलग प्रकार से चरणामृत कह रहे हैं हम उसे, किसका, प्रभु का चरणा का, चरणों का अमृत, और झूठे हाथों से दे रहे हैं। और प्रभु का जो प्रसाद है वह सबके लिए है, सबके लिए है, हम उसे पोजेस कर रहे हैं। मुनि जी कह रहे थे कि एक बार पता नहीं किस क्रोध में मेरे मुंह से कुछ निकल गया उसके हाथों के लिए, जो एक वर्ष के, डेढ़ वर्ष के भीतर ही भीतर फलीभूत हो गया। बोले मुझे दुख तो है कि मेरे मुंह से ये क्यों निकला, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ इसका कतई दुख नहीं है। क्योंकि वो जो करता था उसी का फल उसने पाया, वो तो उसके साथ होना था, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था, तो मेरी भी वर्षों की तपस्या बेकार हुई। उनके सोचने का ये तरीका होता है। तो कभी भी ऐसा मत करना, कर्मयोग को समझना, कर्मशुद्धि की तरफ जाना। और एक भृतहरि जी ने वैराग्य शतकम लिखा है, कभी मौका मिले तो उसे पढ़ना, सुनना मत, हो सकता है कि ऑडियो में ये अवेलेबल हो, पढ़ना वैराग्य शतकम, बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आएंगी, और भी ज्यादा गहराई से समझ में आएंगी जो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो हमें कैसा हिंदू समाज चाहिए ये भी स्पष्ट हो रहा है। हमें मूढ़ यानी अज्ञान हिंदू समाज नहीं चाहिए, कायर हिंदू समाज नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाला हिंदू समाज नहीं चाहिए। हमारी अपेक्षाएं ज्यादातर घर गृहस्थी तक सीमित होकर रह गई। पढ़ लो, नौकरी कर लो, ब्याह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पढ़ा लो, घर बना लो, गाड़ी वाड़ी खरीद लो, जब शादी ब्याह में जाना हो तो उधार मांग कर चेन पहनो, कड़े पहनो सोने के, यहीं तक हम सीमित होकर रह गए। यहां अपने प्रभु को याद करो, वो जो दे रहा है वो ठीक है। जो लोग दिखावा नहीं भी करते हैं वो भी समाज में बड़ी ऊंचे पदों पर या बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं। दिखावा करने से कुछ नहीं होता, जो प्रभु ने दिया वो ठीक है। तो हमें श्री कृष्ण को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारी प्रतिमा व्हाइट मार्बल की बने, जो बन जाए सो ठीक है। इसी चक्कर में विदेशी कंपनियां अरबपति हो गई, हम वहीं के वहीं रहे। एक चीज श्लोक 18 में कहते हैं, पूछते हैं विदुर जी, विदुर जी जो स्वयं बहुत विद्वान हैं, जिनकी चर्चा हमने की, दो विशेष लोगों की चर्चा की थी, एक विदुर जी और दूसरे उद्धव जी, एक और भी की थी जो ऑफलाइन आर्टिस्ट हैं, मैत्री अक्रूर, तीन विशेष हमने चर्चाएं की थी। तो विदुर जी कहते हैं, आपकी कृपा से मुझे ये निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। इतना गहरा वाक्य है, अगर केवल इसी वाक्य पर बात करें हम कई दिन निकल सकते हैं। जितने भी शरीर यहां पर हैं है नहीं, प्रतीत होते हैं। केवल प्रतीत होते हैं।
You are not what you look. जो भीतर है वह आत्मा है, शरीर है अनात्मा है। ये कब ढह जाएगा और किसका ढह जाएगा किसी को नहीं पता। जो रिश्ते जोड़े गए हैं, बहुत ध्यान से सोचना कभी उसमें आपका क्या रोल है। जुड़ गए और एक रिश्ता जो आपने जोड़ा भी है उसका असल कारण क्या है, कभी बहुत गहराई से सोचना तो आपको समझ में आएगा असल कारण कोई भी आध्यात्मिक तत्व तो नहीं है उसमें, या परंपरा है या विकार है। वो विकार से उत्पन्न रिश्ता है या विकार की क्षुधापूर्ति के लिए उत्पन्न रिश्ता है। आत्मिक मिलन कहाँ है? अनात्मिक मिलन है वो। कभी बहुत गहराई से मेरी बात को समझना। हम एक कारण विशेष के लिए वो रिश्ता जोड़ते हैं और उस रिश्ते में रहते हैं। आप सब समझदार हैं। या परंपरा। और जो लोग इस परंपरा को तोड़ते हैं उन्हें कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। कौन अच्छा नहीं समझता? वही लोग जो स्वयं परंपरा को तोड़ नहीं पाए। गहराई से सोच के देखना मेरी इस बात को अगर समय मिले तो। बाकी तो अभी टीवी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लेकिन समय मिले तो गहराई से सोचना इस बात को कि असल रीजन क्या था, इन दो के अलावा तीसरा रीजन क्या था, और जो था वो क्या आपको पता था? अगर है तो वो रीजन क्या आपको पता था? क्या आपको पूर्वजन्म पता था? तो फिर यही दो रीजन से गहराई से सोचना मेरी बात को। सत्संग का मतलब यही नहीं है कि थोड़ी देर आंखें जप जपाते हुए बैठ गए। उसको गहराई से सोचना है, चिंतन मनन करना है। इसीलिए हिंदू समाज अपने ऊपर उठते प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। और उसके आगे कहते हैं वो विदुर जी मैत्री मुनि से, देखिए विद्वान कैसी बात करते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा, यानी जो थोड़ी बहुत डेवलप हो भी गई है प्रतीति, उसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। यहां जब आने से पूर्व अध्ययन कर रहा था कि आज क्या बात कर रहे हैं, तो इस वाक्य ने मुझे एक चीज बताई और वो ये चीज बताई कि हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं ये डिटैचमेंट की जगह अटैचमेंट उत्पन्न करने लगे। अगर वैराग्य नहीं चाहिए तो यहां क्यों आते हैं? मतलब यहां से मतलब धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान में आत्मिक रूप से जुड़े हुए लोग जो अनात्म नहीं है
वो आपके रिश्तेदार होने चाहिए, बाकी लोग नहीं। इसलिए जो ज्ञान मीमांसा का स्थल है, यदि उसे आप भाग्य मीमांसा का स्थल बना देंगे तो आपको परेशानी होगी। आपको शायद उत्तर मिला हो कि मैं क्यों भाग्य मीमांसा वालों से भागता हूं। मैं यहां उस महान व्यक्ति का वर्णन करना चाहूंगा जिनको मैं मुनि जी कह के संबोधित करता हूं। कितने वर्ष हमर उस साथ रहे, कितने वर्ष, सौभाग्य ये ऋषभ को मिला है उसके बाद उनके दर्शन का। कितने वर्ष हम लोग साथ रहे ज्ञान मीमांसा के इतर कहीं कोई बात नहीं, उन्हें सब कुछ पता है, आगे पीछे का भी, इस जन्म का, पिछले जन्म का, सब पता है। और उसके आधार पर जो उपयुक्त लगा उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया, और ऐसे ही नहीं हो गया कि मैं वहां पहुंचा, आओ 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 बैठो, ये खाओ वो खाओ, ना नहा के आयो। अब आप समझिए, गोमुख में अगर कोई व्यक्ति जून में भी कह दे सुबह सुबह कि नहाओ, तो हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, और वो सितंबर में ये काम कर देते थे। कठोरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कठोरता आपको अनुशासित बनाती है। अनुशासन से शरीर जो अनात्म है और मस्तिष्क जो आत्म है वह एक लाइन में चलते हैं, और जब जीवन में अनुशासन समाप्त हो जाएगा तो दोनों विखंडित हो जाएंगे और आपके कदम बहकेंगे, और यही हिंदू समाज के साथ होता है। हम सबसे ज्यादा अगर चूना लगाए होंगे तो या सरकार को लगाए होंगे या अपने मंदिरों को लगाए, और ये दोनों ही धर्म के स्थान है। एक राजधर्म का स्थान है और दूसरा भगवत धर्म का स्थान है, और उसका फल भुगत रहे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक समय ऐसा है जिसके पास सोना गिरवी रखना पड़ा। दुनिया का एक ऐसा समाज जो रोज लड़ रहा है, अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और उसके अस्तित्व को बचाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, जो मिल भी रहे हैं ज्यादातर उनमें से वो लोग हैं जो उसके अस्तित्व क्या है इसको समझे बिना ही सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा अथवा बाकी चीजों के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए, सुननी मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसको कौन सुनाएगा, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत आती है वहां कई दिन तक तो श्री कृष्ण जी का बाल रूप फिर राधा जी रूप आ जाता है, तो जो वो विशद गहराइयां हैं वो तो आती ही नहीं। इसलिए हर स्त्री राधा बनने को तैयार हो जाती है, रुक्मणी बनने को नहीं होती है। प्रद्युम्न कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसमें कष्ट है, प्रसाद मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। आगे कहते हैं विदुर जी के प्रश्न लगातार चल रहे हैं, श्लोक 21। भगवन, देखिए मैत्री मुनि के लिए भी शब्द भगवन आ रहा है। आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया है, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए।
विराट है अनात्म, वहीं से उत्पन्न हुआ है, वहीं समाप्त हो जाएगा, यानी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ, पृथ्वी में ही मिल जाएगा, पंचमहाभूतों से ही वो बना है, पंचमहाभूतों में ही मिल जाएगा। ये बात बहुत पुरानी है, एक बार एक दादी दी दादाजी जिन्हें हम कहते थे ऐसे मोहल्ले में, वो कुछ पूछने आए, मैंने कभी जीवन में दो या तीन लोगों के अलावा अपने ज्योतिष में रुचि की कभी चर्चा ही नहीं की थी, कभी नहीं करी, वो बड़े अच्छे दिन थे। वो पूछने आए श्री कृष्ण का या कुछ और, बात चली तो उस बात में मैंने एक चीज कहा कि अधिक से अधिक 13 दिन कोई आपको याद रखेगा और बाकी दिन फोटो पे माला चढ़ाएगा, और उसके लिए आप इतना आतुर, इतने परेशान, इतना चिंताग्रस्त क्यों हो रहे हैं? भागवत बिठाने का, भागवत बिठाने से घर में क्या पुण्य या पाप हो जाएगा? आप पढ़िए, रोज भागवत पढ़िए, भागवत बिठाते हैं ना लोग, आपने सुना होगा, इससे क्या होगा? आप अपने कल्याण के लिए भागवत पठन करना चाहते हैं तो स्वयं पढ़िए, और अगर लोगों के लिए करना चाहते हैं तो उपयुक्त व्यक्ति को आप आदर सम्मान के साथ वहां बुलाइए, लोगों को भी बुलाइए और पठन पाठन हो, लेकिन उस वक्त में आप प्रसाद तैयार कर रहे होंगे, आप नहीं सुनेंगे उसे, उसका श्रवण आपको नहीं मिलेगा। तो 13वीं तक आप महत्वपूर्ण हैं, बस ये आपके जीवन की कुल जमा पूंजी है। 13वीं के बाद, बल्कि 13वीं की दोपहर 3 बजे से ही आपको भुलाने की कोशिशें तेज हो जाएंगी और नए कपड़े पहन के लोग निकल चलेंगे। 13वीं है ही इसलिए कि यार क्या 12 दिन से परेशान किया हुआ है, उन्हें ये बात बुरी लगी। आज वो आप लोगों की तरह नहीं सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग आप कटु शब्दों को भी गंभीरता से लेते हैं, गुलहरी ये कैसे, ये हमारे बच्चे क्या बेकार हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मुझे हंसी आई, मैंने कहा कुछ चीजों का उत्तर समय को देने दीजिए। कुछ समय के बाद दादी जी का महाप्रयाण हो गया, 14वें दिन दादाजी हमारे घर आए, बोले भाई चाय पिलाओ, बहुत दिन हो गए बढ़िया चाय नहीं पी। मैं बहुत जोर से हंसा, तो वो आप हंसे क्यों उसमें? मैंने कहा जब मैं ये कह रहा था तो आपको बहुत बुरा लग रहा था, अब बहुत दिनों से, कितने दिनों से, 12 दिनों से आपने बढ़िया चाय नहीं पिए, क्योंकि दादी गुजर गई, अब कैसे पिए? अब आप फ्री हो गए, अब आप उनकी याद से भी मुक्त हो गए, अब आप आए, यानी उनकी कुल जमा पूंजी उन्हीं 13 दिन तक थी। यही बात मैं आपको 2 वर्ष पहले या 2.5 वर्ष पहले समझा रहा था। तो वो मुंह नीचे करके काफी देर तक सोचते रहे, बड़े विद्वान थे, ऐसा नहीं था, दोनों ही जन विद्वान थे। फिर बोले बात तो सही है। मैंने कहा अपने बच्चों को पता किया कहाँ है? नहीं, मैंने तिवोली, एक बड़ा महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट था वहाँ तिवोली नाम से, मैंने कहा वहीं पाए जाएंगे, जाके देख लो, क्योंकि उन्होंने भी 13 दिन से बढ़िया मजेदार भोजन नहीं किया, चटपटा। तो आपकी कुल जमा पूंजी ये 13 दिन की है, इसलिए बहुत ज्यादा इससे प्रेम मत करो, क्योंकि यह अनात्म है। विदुर जी आगे कहते हैं, कि भगवान स्वयं उनमें प्रविष्ट हो गए, यानी जैसे ही काम पूरा होता है
वह आत्मा बाहर चली जाती है। उन विराट के हजारों पैर जांघें और बाएं हैं, उसी को वेद आदि पुरुष कहते हैं। यह हम सब पढ़ चुके हैं। फिर वो उनसे प्रश्न करते हैं, मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, और ये भी बताइए कि त्रियक मनुष्य देवता सरीसृप और पक्षी तरह जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्दज, ये तो सब आपको पता ही है, ये चार प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए, और इन सब के उत्तर मिलेंगे आपको आगे। अंडा और मुर्गी दोनों में से कौन पहले आया, श्रीमद् भागवत बता देगी आपको, बचपन से आज तक समझ में नहीं आया होगा। अंडा पहले कि मुर्गी पहले, आगे आने वाले अध्यायों में हम इसे पढ़ेंगे। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उसका भी वर्णन कीजिए। यानी यहां भी इनको अवतार कहा है, ये शब्द महत्वपूर्ण है, यानी किसी और की बात भी हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ किसी और की भी बात हो रही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग। बार बार शास्त्र जन्म के आधार पर नहीं कहा है कहीं भी। वेश यानी पहनावा, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों के विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग माया का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन संख्या मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वह सब हमें सुनाइए। कितनी गंभीर बात है, प्रश्न देखिए, एक विद्वान का प्रश्न है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि विदुर जी को कभी जीवन में क्षोभ नहीं हुआ होगा, और उन्होंने किसी से उनको जीवन में क्या करना है ये नहीं पूछा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। हर व्यक्ति के अंदर व्याकुलता होती है, हर व्यक्ति को मार्ग क्या चुने ये जानने की आकांक्षा भी होती है, और वो गलत भी नहीं है, लेकिन हमें फिर इससे आगे जाना चाहिए। मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन उससे आगे भी जाना चाहिए। और वो जो पथ है, देखिए, शरीर का जो पथ है वह कर्म मार्ग से चलता है, और अध्यात्म का जो पथ है वह श्वास मार्ग से चलता है। श्वास अनस्थिर है, अस्थिर है, तो आप कभी भी प्रभु के दर्शन, स्वयं के ही दर्शन नहीं कर सकते। और यदि कर्म आपके अनुचित हैं, तो आप कभी भी जीवन में सुख नहीं पाएंगे, जो पा भी लिया तो गवाएंगे। मेरी इस बात को चाहे आप चुनौती के रूप में लीजिए, चाहे आप उपदेश के रूप में लीजिए, और चाहे मेरी इस बात को आप विवेचना के रूप में लीजिए, या मेरी इस बात को भविष्य में क्या होने वाला है उसके रूप में लीजिए, लेकिन याद जरूर रखिएगा और चिंतन मनन इस पर भी जरूर करिएगा। विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, देखिए उस समय भी इस मार्ग का विरोध किया जा रहा है,
पाखंड मार्ग, ये सब वो जानना चाहते हैं। यहां एक शब्द आया नारद पंचुर रात्र, नारद पंच रात्र, नारद सब जानते हैं, नारद ऋषि, मुनि भी कहते हैं, पंच ये सब जानते हैं, पंच माने पांच, रात्र माने सामान्यतः भी समझते हैं, रात्र माने नाइट, रात्र का मतलब होता है ज्ञान। और इसी के नाम पर अनेक स्त्रियों का नाम रात्र होता था, रात्र सूक्त पढ़ते हैं ना, तो वो रात में पढ़े जाने वाला सूत्र सूक्त थोड़ी है, रात्रि स्त्री है, वो विदुषी है जिन्होंने उसकी रचना करी, उनका नाम है। तो ये नारद जी ने पांच रात्रियों तक कठोर तपस्या की, आगे जाकर ये एक संप्रदाय बना, पंचुर रात्र संप्रदाय। इस संप्रदाय में 200 से अधिक पुस्तकें हैं, जैसे लक्ष्मी तंत्र आदि पुस्तकें वो इसी संप्रदाय में हैं। ये वैष्णवों का एक महान संप्रदाय है। इस संप्रदाय का जब हम वर्णन करते हैं तो श्री कृष्ण के दो रूपों वासुदेव, वासुदेव का अर्थ विष्णु जी से भी है, वासुदेव का अर्थ वास श्री कृष्ण के लिए भी है। एक वहां पर वर्णन आता है अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध कौन है? पौत्र, श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र के क्या नाम था? प्रद्युम्न के ये बेटे हैं और ये बहुत सुंदर हैं। जब इनका जन्म होता है तो ये बहुत सुंदर हैं और इसके बाद जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके रूप की चर्चा बड़ी दूर दूर तक है। एक लड़की है उसका नाम है उषा, वह इनको उठाकर ले जाती, यानी अपहरण हो जाता है, सोशल इक्वालिटी। एग्जैक्टली वही, यह उषा बाणासुर की पुत्री है, बाणासुर बलि के पुत्र हैं, राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र हैं, राजा बलि के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र में ये ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये बहुत बड़े योद्धा हैं और इन्होंने तपस्या से स्वयं को शिव पुत्र घोषित कराया था शिव जी से, बाणासुर। सहायता करूंगा, और इसीलिए जब श्री कृष्ण उन्हें मारने चलते हैं तो उनको रोक दिया जाता है जी। तो बड़ा गंभीर युद्ध हुआ और वह अनिरुद्ध को छुटा कर ले आए और उषा को भी लेते आए और फिर इन दोनों का विवाह कराया, यानी समता, श्री कृष्ण का सेंस ऑफ जस्टिस देखिए, क्योंकि वह छिप के बाणासुर के महल में रह रहे थे और बाणासुर को जैसे ही ये पता चला तो बाणासुर ने उन्हें दंडित किया। जब दंडित किया तो श्री कृष्ण और बलराम जी, श्री कृष्ण और बलराम जी जिन्हें संकर्षण कहते हैं, पंचुर रात्र में इनका भी वर्णन है, वासुदेव संकर्षण, इनको संकर्षण बोला जाता है, अनिरुद्ध। तो उसके बाद एक ब्रह्म भी आते हैं तो वो वहां से इन दोनों को ले आते हैं, इनका विवाह कराते हैं और वाणासुर
भयंकर युद्ध के बाद उनको वो हराते हैं। तो ये बाणासुर वह असुर है, पाताल लोक में इनका निवास है, जैसे राजा बाली का था। ये जो संप्रदाय है नारद पंच रात्र, ये जो संप्रदाय है ये सृष्टि के पांच सूत्रों में विश्वास करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि के पांच कारणों का वर्णन करता है। और ये सांख्य के करीब है थोड़ा, मुझे लगता है कि इसके बाद मैं एक सत्संग सांख्य दर्शन पर रख लेता हूं। तो अष्टम अध्याय या तो फिर इसके अगला सांख्य दर्शन को हम पहले और गहराई से समझेंगे, यद्यपि हमने कई बार इसको समझा, पिछली बार तो और गहराई से समझा था, लेकिन इसको हम और गहराई से समझते हैं। तो ये जो संप्रदाय है सृष्टि के पांच कारण मानता है, इसमें प्रथम है पुरुष, इनएक्टिव। दूसरा है प्रकृति, एक्टिव। तीसरा स्वभाव। चौथा कर्म। लिखा चौथा लिखा कर्म, और जो पांचवा है ये वेग भी है, ये आत्म भी है, ये आत्मन भी है, ये अणु भी है। गु इसके कई नाम है। अच्छा, बाणासुर की राजधानी का क्या नाम था? शोणितपुर, लोहितपुर भी कहते हैं, लोहितपुर भी कहते हैं। नहीं नहीं, वो तो अनेक उस नाम से, ये तो पाताल यानी समुद्र की तरफ है। शोणितपुर भी नाम है, लोहितपुर भी नाम है। इसके कंक्लूजन रिमार्क्स में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कुरुक्षेत्र, राजन जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्र जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने पर वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? अष्टम अध्याय में हम अध्ययन करेंगे और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि भारत की जो धरोहर है अध्यात्म की, उसे समझने की कोशिश कीजिए। भारत के जो ऋषि परंपरा है उसे समझने की कोशिश कीजिए, वह नितांत वैज्ञानिक है। वह ज्ञान से भाव की उत्पत्ति करती है, इसीलिए हमें नहीं ध्यान रहता ऋषि कणाद ने क्या किया। ऋषि कणाद ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रसोई के ठीक सामने है, वैशेषिक। यस, इस आश्रम में कर्म शुद्धि के लिए हर तरफ घूम घूम के देखो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये टहलने की जगह नहीं है, हर जगह आपको यहाँ कुछ ना कुछ विशेष मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हर चीज़ को
अंगीकृत करने की कोशिश करो, आत्मसात करने की कोशिश करो। ये घूमने की जगह नहीं है। वैशेषिक जो एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, यहां लगातार सीखोगे, चाहे दर्शन के रूप में सीखो चाहे कर्म के रूप में सीखो, यहां कुछ ना कुछ सीखोगे। ऋषि कर्णाद क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे? साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या ऋषि का विषय नहीं होता? मैंने आपको कंपास के बारे में अभी बताया, मैंने अभी आपको जैमिनी ऋषि के बारे में बताता हूं। जैमिनी ऋषि ही ये कहते थे सबसे पहले कि पृथ्वी भी गोल है, सूर्य भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है। और जब पूरी दुनिया यह मानती थी सूर्य स्थिर है, तब भी जैमिनी ऋषि का जो सूत्र था उसके अनुसार सूर्य भी स्थिर नहीं है, गतिशील है। अब नासा भी कहता है कि सूर्य की एक गति होती है। यह है भारत का ऋषि दर्शन। इसलिए श्री कृष्ण कहते कि मुझमें ना उलझ के आप ब्रह्म की उपासना करो। हम ना करें वो एक अलग बात है, हम उनमें समा जाना चाहे, उनसे प्रेम प्रतीति हो, ये अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण ने जिस विज्ञान का संदेश हमको दिया हम वो बिल्कुल भूल जाए। फिर हम क्या आगे रखेंगे? गीत संगीत? क्या हम फिर आज के लिखित भजन को कहेंगे यदि यही आदि है और यही अंत है, तो फिर पूरा विश्व ये कैसे मानेगा कि हमारी संस्कृति हजारों लाखों वर्ष पुरानी है? कैसे मानेगा? जैमिनी ऋषि कब इसकी रचना, इस सूत्र की रचना कब करते हैं? सोच कर देखिए। एक ग्रंथ है राजा भोज का, उस ग्रंथ का नाम है यंत्र सार, उसे पढ़िए जरा, सुन लीजिए। अच्छा, मैं कभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं याद करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाँ, मत्स्य यंत्र, हम लोग कंपास को मत्स्य यंत्र कहते थे क्योंकि समुद्र में वो हमको दिशा देता था। मत्स्य यंत्र हम कहते थे उसे, मुझे याद आया। और इस मत्स्य यंत्र के बारे में आप बहुत पहले बहुत सारी बातों में सुनेंगे। यह हमको दिशा बताता था क्योंकि इसकी सुई हमें निडल बनानी आती है उस समय में, और इसकी सुई सदैव उत्तर की ओर रहती थी। इसको हम मत्स्य यंत्र कहते थे, अरबी में से बाद में कुतुबनुमा कहा गया, अब कंपास भी कहते हैं आप लोग, अंग्रेजी में कंपास कहते हैं उसे। अब आप कहेंगे, ये प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि यदि हमें उत्तर के बारे में पता था तो क्या हमें मैग्नेट के बारे में भी पता था? क्योंकि ट्रू नॉर्थ क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ है ना वो, इसका मतलब हमें मैग्नेट के बारे में पता था। और मेरा उत्तर है, इस विश्व ने जब चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन की उससे बहुत पहले इस ग्रंथ में लिखा हुआ है जिसका नाम मैंने बताया कि जहाज को नीचे से जब भी जोड़ो तो लकड़ी से जोड़ो, अगर आप इसे लोहे से जोड़ते हो तो यह पानी का मैग्नेट खींचेगा और इससे जहाज को नुकसान होगा। यह है वो भारत की संस्कृति, यह है श्री कृष्ण और श्री राम की संस्कृति। आर्यभट्ट न्यूटन से कितने पहले यह सिद्धांत देते हैं कि चीज नीचे की ओर जा रही है, कितना पहले बता रहे हैं। ऐसे लोगों से यह संस्कृति बनी और चल रही है, सामान्य बुद्धि के लोगों से नहीं चलती है। स्वामी जी ने जब इस बात को कहा, निवेदिता जी ने इस बात के बारे में कहीं कहा भी है,
स्वामी जी के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे पता है? हिंदू, हिंदू, क्योंकि वो उनको आदि परंपराएं सिखाते थे जो मूल परंपराएं हैं। आप एक शब्द का उच्चारण करते होंगे मूलभूत, ये दो शब्द हैं, मूल अलग है भूत अलग है। ये शब्द आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है, सुश्रुत और चरक संहिता में। मूल अलग है भूत अलग है, जिसकी उत्पत्ति हो रही है वह भूत है और उस उत्पत्ति का जो प्राइमरी रीजन है उसे मूल कहते हैं। ये बाद में जुड़ के ये मूलभूत बनता है। आपकी मूलभूत परिकल्पना क्या है, यानी बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है, व्हाट इज अनसीन एंड व्हाट इज सीन। इस गहराई को आप लोग बोलो, मैं ये चाहता हूं इस गहराई से बात करो, लेकिन कर्म शुद्धि पहले, विचार शुद्धि बाद में, मतलब ज्ञान शुद्धि बाद में, पहले कर्म शुद्धि। खंडित कर्म वाले लोग अखंडित ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक उसी तरीके से जैसे असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, सुधरने के मौके बहुत सारे हैं, उसमें हम सुधर सकते हैं। तो आज हमने तृतीय स्कंद के सातवें अध्याय को पढ़ा, समझा, और इसके जो मूल प्रश्न उन्होंने किए हैं श्री विदुर जी ने, जिनके वह मैत्रेय मुनि जी से उत्तर मांग रहे हैं, तो हमने आज प्रश्न समझे। अगली बार उन्होंने उत्तर क्या दिया, या तो इसकी व्याख्या मैं करूँगा और अथवा हम सांख्य दर्शन को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब नारायण क्षेत्र में चलेंगे, ध्यान का समय हो गया है। तो जितने भी लोग, आप सभी लोग या जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सब लोगों को मेरी राम राम। भारत माता की जय।